आज इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा या हम आपको बताएंगे कि आखिरकार अपने इंस्टाग्राम में अपनी दूसरी आईडी को लॉगिन कैसे करते हैं। अगर आपके पास दूसरी आईडी है इंस्टाग्राम की तो उसे आप कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे आप अपनी इंस्टा की आईडी को आप ओपन कर सकते हैं जो आपके पास सेकेंड अकाउंट है। तो सबसे पहले आपको जाना होगा अपने मोबाइल फोन में, अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप इसे एक बार अपडेट जरूर कर लें क्योंकि इसमें लेटेस्ट वर्जन आता रहता है, नहीं तो आपको कोई परेशानी भी आ सकती है। तो इसे आप अपडेट कर लें, इसे आप प्ले स्टोर से अपडेट कर सकते हैं या आपको नीचे लिंक मिल जाएगा उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इसे अपडेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपका प्रोफाइल दिखाई देगा कि आपका जो प्रोफाइल है वो कुछ इस तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आप चाहो तो हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और हमें आप मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। उसके बाद यहाँ पर आपका आईडी शो हो जाएगा। अब आपका जो दूसरा आईडी है उसे लॉगिन करने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा आपका आईडी। अब आप इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक विकल्प आ जाएगा ऐड अकाउंट। अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दिखाई देगा लॉगिन टू एक्सिस्टिंग अकाउंट, यानी कि आपके पास पुराना आईडी था उसे आपको लॉगिन करना है तो आपको पहला विकल्प चूज करना है। लेकिन अगर आपके पास पहले से आईडी नहीं था और आप एक नया आईडी बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना होगा। तो हमारे पास पहले से आईडी था तो हम लॉगिन टू एक्सिस्टिंग अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरीके से पेज आएगा और वहां पर आपका आईडी दिखाई देगा जो आपका पहले से लॉगिन था, लेकिन आपको नया आईडी लॉगिन करना है जो पुराना वाला था। तो यहां पर मिलेगा स्विच अकाउंट। अब आप इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा इंटर फोन नंबर या ईमेल आईडी या अपना यूजर नेम। जो भी आपके पुरानी आईडी का यूजर नेम है वो आप यहां पर डालें, जो आपका पासवर्ड है वो आप यहां पर डालें। तो यहां पर क्लिक करके अपने पुराने वाले आईडी का जो यूजर नेम है वो आप डाल दीजिए। यहां पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पासवर्ड इस तरीके से बताता है फॉरगेटन पासवर्ड फॉर आपका यूजर नेम, तो आपको यहां पर क्या करना होगा, फिर आपका लॉगिन कैसे होगा, तो यहां से आप बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहां पर आपको मिलेगा इस तरीके से पेज और यहां से आप बैक आइए। बैक आने के बाद अब आपको जाना होगा अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर में। ब्राउजर में जाने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां पर आपको सर्च बार पर लिखना होगा। यहां पर आप टाइप करेंगे इंस्टाग्राम। अब आप यहां पर लिखेंगे, ध्यान से देख लीजिए, इंस्टाग्राम पासवर्ड चेंज बढ़िया टेक, ये आपको वेबसाइट मिल जाएगा। अब आप इसे सर्च कर दें। सर्च करने के बाद आपके सामने आ जाएगा बढ़िया टेक.com और यहां पर मिलेगा इंस्टाग्राम पासवर्ड चेंज। अब आप इसे ओपन कर लें। जैसे आप इसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद इस तरीके से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अगर आपका डेस्कटॉप साइड में है तो अपने डेस्कटॉप साइड से हटा देंगे। अब आपको यहां पर थोड़ा सा वेट करना होगा, ये पेज पूरी तरीके से लोड हो जाएगा और यहां पर आपको इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड चेंज करने का लिंक मिल जाएगा। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहां पर आपको मिलेगा पासवर्ड चेंज लिंक। अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहां पर आपको ब्राउजर को ले लेना है। ब्राउजर को लेने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहां पर आपको अपने आईडी का जो नेम है वो आप डाल दीजिए। तो आपके जो भी आईडी का जो नेम है वो आप यहां पर डाल दें। तो हमारे आईडी का जो नेम है वो है बढ़िया और उसके बाद टेक सेंड लॉगिन लिंक पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर आपको यह कैप्शन मिलेगा, इसे आपको टिक करना होगा और जो भी यहाँ पर बताया जाए उसे आपको टिक करना होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो इसे आप रिट्री कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा, इस तरीके से आप टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद यहाँ पर मिलेगा वेरीफाई। अब आप इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका मोबाइल नंबर या आपका ईमेल आईडी, जिस मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से आपने ये वाला अकाउंट बनाया होगा। तो आपके ईमेल आईडी पर एक मैसेज सेंड किया गया है, जैसे हमारे पास तो आ चुका है। यहां पर देखेंगे बढ़िया टेक और ये इंस्टाग्राम की तरफ से आया हुआ है, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहां पर आपको दो विकल्प मिलेंगे। एक मिलेगा लॉगिन एस बढ़िया टेक, यानी कि अपना अकाउंट लॉगिन कर लें, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका पासवर्ड हम चेंज कर लें ताकि अगली बार से हमें पता लग जाएगा, तो आप रिसेट योर पासवर्ड पर क्लिक करके एक नया पासवर्ड आप बना लेंगे। तो हमें पासवर्ड नहीं बनाना है, हमें लॉगिन करना है, तो हम लॉगिन एन इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और फिर आपका लॉगिन आपका अकाउंट हो जाएगा। जैसे हम फिर से बैक आते हैं, बैक आने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे और अब हमारा जो आईडी होगा वो यहां पर लॉगिन हो जाएगा। अगर आपका पहले से लॉगिन है तो आपको यहां से बैक आना होगा, रिसेट योर पासवर्ड पर क्लिक करना होगा और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पासवर्ड बनाने का पेज आ जाएगा। अब यहां पर अपना एक नया पासवर्ड आप बना लेंगे। पासवर्ड बनाने के बाद फिर आपको क्या करना है वो आपको पता होगा। फिर आपको जाना होगा अपने इस इंस्टाग्राम ऐप पर इस तरीके से। यहां पर आपको अपने आईडी पर और यहां पर और ऐड अकाउंट पर और यहां पर एस्टिंग एंड
ऑनलाइन लॉग इन अकाउंट पर, यहाँ पर आपको स्विच अकाउंट पर, और यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के फिर आप लॉग इन पर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना सेकेंड अकाउंट आप लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपका पासवर्ड नहीं पता है तो आप पासवर्ड इस तरीके से बदल सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा आज इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस पता चल गया होगा, और मैं आशा करता हूँ यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करें जिनके पास 2 ID है और वो ID अपनी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।